आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। अरे भाई, टोरेंट एक्स दे रहा है 5000 शिबा कॉइन सिर्फ torrentexchange.org पे रजिस्टर करने पर और 10000 शिबा कॉइन अपने दोस्तों को रेफर करने पर। तो जल्दी करें, आज ही torrentexchange.org पर रजिस्टर करें और अपने दोस्तों को रेफर करें। टोरेंट एक्स है तो सेफ है। कपड़े पर जीएसटी बढ़ाए जाने पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले जा रही है अच्छे दिनों का पर्दाफाश। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा आटा भी महंगा टाटा भी महंगा। टीएमसी में शामिल हुए पवन वर्मा, ममता बनर्जी ने किया जोरदार स्वागत। सीएम योगी का निशाना, बोले समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी भावनाओं को भड़का रहे हैं। कंगना रनौत की बढ़ेंगी मुश्किलें, सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज होगी एफआईआर। की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र में भाजपा विशेष सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महेश चंद्र श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके और राष्ट्रगीत गाकर किया गया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और मौजूद लोगों को भाजपा सदस्यता अभियान में प्रतिभा लेने की भी बात कही गई है। मौजूद क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ सांसद संघ लाल गुप्ता और विधायक रानीगंज धीरज ओझा को माल्यार्पण कर उनका सम्मान भी किया। मेला के अंतर्गत लगभग 1000 से 1200 महिलाओं की सदस्यता ग्रहण हुई है और इस सदस्यता अभियान का उद्देश्य यही था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में बैठे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की का ये आग्रह भी था और ये एक निवेदन भी था अपनी जनता से और एक कार्य था कार्यकर्ताओं के लिए कि सदस्य हमारे जो है उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ सदस्य ऑलरेडी पहले से ही थे। 2012 की जो सदस्यता अभियान हुआ था उसमें 3.5 करोड़ सदस्य थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये था कहना था कि कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक बूथ पर जितने कार्यकर्ता हैं वो लगभग 100 लोगों की सदस्यता कराएं और जिससे कि इस वर्ष लगभग 1.5 करोड़ सदस्यता हो जाए और हम पूरी सदस्यता हमारी 5 करोड़ के लगभग हो जाए। उत्तर प्रदेश की सदस्यता अगर 5 करोड़ की हो जाती है तो आगामी आने वाले चुनाव में हमें बहुमत से विजयी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पूर्व चीन की एक पार्टी 8 करोड़ की सदस्यता के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने संकल्प लिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी और उस समय उस संकल्प के तहत 12 करोड़ सदस्य बने। वर्तमान में हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं, जिसका लक्ष्य है अपने को कि 22 करोड़ सदस्य पूरे देश में बनाना है। तो एक संगठन का ये अनवरत चलने वाला कार्यक्रम है और आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि आज उत्तर प्रदेश में 49 लाख कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास। इतने कार्यकर्ता किसी दल के पास नहीं, तो ये स्वाभाविक रूप से अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी सनय सनय हर परिवार में घुसने के लिए, हर परिवार भाजपा का परिवार हो, मेरा परिवार भाजपा का परिवार हो, इस संकल्प के साथ यहाँ हर बूथ अध्यक्ष हमारा काम कर रहा है बूथ की समिति। कांग्रेस का हाथ छोड़ सपा का दामन थामने वाले पूर्व सांसद राजा रामपाल अखिलेश यादव की संदेश यात्रा लेकर औरैया पहुंचे, जहां उनका सपा कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया।
इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कृषि कानून बिल सहित कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए जमकर हमला भी बोला। चुनावों की जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही नेता चुनावी प्रचार कर जनता को लुभाने में जुट चुके हैं। इसी क्रम में फतेहपुर में कांग्रेस के युवा नेता शिवाकांत तिवारी ने कई गांवों का दौरा करा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता को रिझाने का काम किया। साथ ही विपक्षी दलों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। मिर्जापुर में भाजपा भगाओ महंगाई घटाओ के तहत कांग्रेस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चुनार विधानसभा के देवकली इंटर कॉलेज जमालपुर से पदयात्रा प्रारंभ हुई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह पटेल ने किया। शिव कुमार पटेल ने कहा कि जिस तरह से सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जनता से सिर्फ लूट वसूली का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की जनता की तरफ से चुनी गई सरकार उन्हीं पर इस वक्त लाठियां बरसा रही है। आजमगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के लिए सहेदा में एक हेक्टेयर पर नगर वाटिका तैयार की गई है। आपको बता दें कि इसके जरिए वन विभाग भूमि फिलहाल चिन्हित कर लिया गया है। वाटिका में लोग सुबह टहल सकेंगे और खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। विकास की भाग दौड़ से शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। एक दशक पहले जहां हरियाली दिखती थी, अब वहां पर अट्टालियां आए इस वक्त दिखाई दे रही है। इसकी वजह से शहर में हरियाली नाम मात्र की रह गई है। हरियाली को बढ़ावा देने और माहौल को हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग सहेदा ने नगर वाटिका को तैयार करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर पहल भी की जा चुकी है। सहेदा में बनने वाले नगर वाटिका में फल फूल और औषधि पौधे लगाए जाएंगे। पार्क में बैठने के लिए आधुनिक बेंच का भी निर्माण होगा। पुराने पेड़ पौधों की फेंसिंग कर उन्हें आकर्षक भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा ये शहरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सुलभता और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए नगर वन की योजना बनाई गई है। और नगर वन की योजना में ये है कि 10 हेक्टेयर से लेकर के 50 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में वृक्षों को लगा करके नगर वन तैयार करना है। आजमगढ़ जनपद में इतना भूमि उपलब्ध होने की वजह से सहेदा में नगर वाटिका का प्रस्ताव किया गया है। 1.25 हेक्टेयर में नगर वाटिका बनाया जाएगा और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल में, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो देशज पौधे हैं उनको तैयार करके पर्यावरण, इसमें आम महुआ अमरूद आंवला। वहीं आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। ये बदमाश लिफ्ट देने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले एक व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनका एक साथी जो है फरार बताया जा रहा है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के पास से एक मोबाइल, 4,000 नकद और अवैध तमंचा फिलहाल बरामद कर लिया है। बीती रात जब वो दुकान से घर लौट रहे थे, तब कुछ लोगों ने उनके पास से उनकी मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और साथ में 20,000 रुपये लूट लिए थे। इस मुकदमा को पंजीकृत होने के बाद ASP फतेहाबाद के नेतृत्व में और थाना प्रभारी फतेहाबाद के निर्देशन में कार्य किया जा रहा था और इसका सफल अनावरण किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है सचिन तोमर, आकाश तोमर और ओमवीर। इन तीनों के पास से वो मोबाइल जो वादी के पास लूटा गया था मोबाइल, साथ में 4,070 रुपये और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। इन तीनों अपने पूछताछ में बताया है कि उस दिन 3 लोग लूट किए थे और लूट की घटना में एक और व्यक्ति शामिल था, दीपू उर्फ दीपक, और मोटरसाइकिल उसी के पास है, पुलिस उसकी जाँच कर रही। वहीं आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख पति की गुंडागर्दी सामने आई है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मकान का लेंटर डरवा रहे परिवार की महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट की पूरी वारदात पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल SP सिटी ने मारपीट के वीडियो का संज्ञान लेते हुए जाँच के आदेश दे दिए है। जी, एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमे की कुछ लोग झगड़ते हुए दिख रहे हैं। उस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद वीडियो की जांच की जा रही है और उसके लिए कोई कंप्लेन करेगा तो उस कंप्लेन की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं औरैया में कानून व्यवस्था का बेहद बुरा हाल है। चैन स्नैचरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। दिन दहाड़े सब्जी खरीद रही महिला के साथ एक बाइक सवार स्नैचरों ने चेन खींचकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चैन स्नैचरों की जल्द गिरफ्तारी का फिलहाल दावा किया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, उस महिला ने काफ़ी देर 112 पे फ़ोन मिलाया, तो 112 का जब नंबर उठा नहीं तब तक हम भी बाहर आ गए, तो रो रही थी, तो हमने पूछा। पूछने के बाद हमने जब फ़ोन किया सीओ साहब को किया और इनको एसआई नारायणपुर चौकी इंचार्ज किया, तब ये आए हैं। लेकिन जो एक्टिविटी है वो थोड़ी कमज़ोर है। सीओ साहब तो तत्काल आ गए, कोतवाल साहब अभी तक नहीं आ पाए, जबकि इतनी बड़ी घटना है शहर में और कई घटनाएं इस तरह की शहर में हो रही हैं छिनैती की, लूट की, इस पर पुलिस की जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हम देखते हैं कि कहीं अगर वसूली की बात आती तो उस पर आगे मिलते। हमारी बेटी थी और हम लोग सब्जी ले रहे थे, चैन चली गई मेरी बेटी, खींच के ले गया, वो उसमें आ भी गया, उसमें वो कैमरे में देखा लगे और कैमरा सब कुछ सामने आ गया। पुलिस वाले हैं, आप कुछ करें या ना करें। क्या आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस आ गई थी, पुलिस आई है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील के बाहरी गेट पर काफी ज्यादा हंगामा हो गया। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि जब तहसील की सरकारी जमीन पर बनी मजार से पाकिस्तानी ग्रंथ और आपत्तिजनक दवाइयां धार्मिक संगठनों की तरफ से बरामद की गई और कहा गया कि दीवार पर भगवान शिव के चित्रकारी करने के बाद उस स्थान पर कूड़ा करकट कर दिया गया। इसी पर ही धार्मिक संगठन के लोग भड़क गए। इसी के साथ ही तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन पर बनी मजार पर जाकर वहां से मिले पाकिस्तानी ग्रंथ आपत्तिजनक दवाइयों के मिलने के बाद हंगामा बढ़ गया। इस मुद्दे पर रोष प्रकट करते हुए लोग एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और शंखनाद करते हुए अपना हंगामा किया। मामला यह है कि हमने यहां एक हमारे हिंदू देवी देवता जो शंकर भगवान की जो मूर्ति थी वो बाथरूम के सामने लगा रखी। हमने पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट करी भाई ये ठीक नहीं है, तो एसडीएम साहब से भी मिले हम, ठीक है, उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अब आज हम लोग यहाँ से देखने आए थे, साथ में जो मजार है उस पर भीड़ लग रही, महिलाएं आई हुई काफ़ी, तो हमने जब जाकर देखा तो वहाँ ये काम चल रहा है, 1100-2100 रुपए वो ले रहा है, ठीक है। तो हमने उससे पूछा भाई ये क्या चीज़ है, तो हमें देखते ही वो वहाँ से खिसक लिया, ठीक है। तो हमने पूछा भाई वहाँ वालों से, तो धीरे धीरे वहाँ से सारी भीड़ वहाँ से इकट्ठी निकल ली, क्योंकि वहाँ जो है ना कोई खेल इस तरह का चल रहा था वशीकरण का। फिर मैं उसकी एक दो किताबें देखी तो उसमें हमें मतलब आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई दी, ठीक है। तो हमें देखे वहाँ से पुलिस भी आ गई, तब तक हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, तो वहाँ देखा कि ये सारा सामान मैं भाई इसकी चेक इसे चेक करवाए दवाई कैसी है, तो पुलिस उसे वहाँ से लेकर निकाल के चली आई। जब उसने देखा मामला बिगड़ जाएगा क्योंकि पब्लिक वहाँ इकट्ठी होगी, तो क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो लवजात में फंस के चली गई, कुछ हमें आज तक मिली ही नहीं, कुछ परिवार आज तक तड़प रहे जी हमारी बेटी यहाँ आए थे, हम एक दिन परिवार को लेकर यहाँ आए थे, उसके बाद कुछ नहीं पता कि वो लड़कियाँ कहाँ गई हैं। एक्चुअल में बहुत दिनों से पहले यहाँ पर एक टॉयलेट होता था तहसील के बाहर की तरफ सार्वजनिक बना हुआ था, लेकिन अभी हमने पीछे कुछ दिनों में देखा कि वहाँ पे टॉयलेट को जगह पे हमारे शंकर भगवान जी की बना दी गई प्रतिमा बना दी गई और एक शिवलिंग की प्रतिमा को बना दिया गया, और वहाँ पे कुछ एक कार्रवाई ऐसे करके प्रशासन ने उस मतलब टॉयलेट वाली जगह पे बना दिया। और उसके बाद जब उस समय जब अब हमने कुछ दिनों देखा कि वहाँ पे लोग आके पेशाब कर रहे थे, तो मैंने इसके बारे में सीएम साहब को भी ट्वीट करा शनिवार को ही सीएम साहब को, डीसी साहब को, डीएम साहब को, अपने फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेटर को, सभी को ट्वीट करा था। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा तीन दिन तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं कि हिंदू के भगवानों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ बने बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारे देश में सनातन धर्म बना रहे, ये बहुत ही गलत है। आदमी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इन तंत्र मंत्र पे आदमी को विश्वास नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे जो सामान मिला इसके बाद तो हमें ये जान के बहुत दुख हो रहा है कि ये सरकारी प्रांगण के अंदर ये सब काम हो रहा है और अभी तक सरकार बेखबर बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं कर रही है इसके अगेंस्ट।
वहीं सोनभद्र में गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश इस वक्त जारी है और गौकशी में लिप्त लोगों पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। पाइनर तिराहे के पास पुलिस ने नफर आयुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसी के साथ गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष कर्मा, विनोद कुमार, उप निरीक्षक सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल के साथ साथ कांस्टेबल मृत्युंजय सिंह मौजूद रहे। संभल के थाना नखासा क्षेत्र में शहर के मोहल्ला फतेहउल्लाह सराय में दो दिवसीय उर्से और गौसलरवा का समापन हुआ है, जिसमें दूर दराज से लोगों ने शिरकत की है। आपको बता दें कि दरगाह आए हुए लोगों ने बताया कि इस झंडे पर जो भी दुआ करते हैं वो पूरी हो जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी दूर दूर से लोग यहाँ इस उर्स में शिरकत करते हैं और इनकी परेशानियां भी दूर हो जाती है। उसके हिसाब से हमारे यहाँ झंडा पे उर्स होता है जो 16-17 दोनों तारीख में आया है। ये हमारे बुजुर्ग अब से 200 साल पहले से मनाया जा रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग आए थे, बगदाद शरीफ गए थे, वहाँ से झंडे की निशानी लाए थे और उस निशानी का आज तक हमारे 200 साल दौरान बराबर हो रहा है। और यहाँ पर दूर दराज से जैसे सलार सरा कोट मियाना पूरे शहर के लोग आशीर्वाद करते हैं, लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं और उसके साथ में जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी माशाल्लाह पूरी होती है। लोग आते हैं और हमारे साल में सिर्फ दो दिन मनाया जाता है 16-17 दिन। लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं, बड़े बड़े मुरादें पूरी होती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। अरे भाई, टोरेंट एक्स दे रहा है 5,000 शिबा कॉइन सिर्फ torrentexchange.org पे रजिस्टर करने पर और 10,000 शिबा कॉइन अपने दोस्तों को रेफर करने पर। तो जल्दी करें, आज ही torrentexchange.org पर रजिस्टर करें और अपने दोस्तों को रेफर करें। टोरेंट एक्स है तो सेफ है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अभी